गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम ऑल टू जेके लेटेस्ट इन्फो आज हम बात करेंगे कि कोई भी बैंकिंग एग्जाम है तो उसमें किस टाइप का एग्जाम रहता है आपका कौन से सब्जेक्ट्स इंक्लूड रहते हैं और स्पेशली क्वांट्स में आपके कौन से टॉपिक मोस्ट सिक्योरिंग है तो जेके बैंक और अभी आपको पता है फर्स्ट जनवरी से बैंकिंग एसोसिएट का एग्जाम शुरू हो जाएगा तो उसी को लेकर आपको बताया जाता है मैं आपको ओवरऑल बता देता हूं पहले कि कैसे तीन सब्जेक्ट्स हैं फर्स्ट वन इज इंग्लिश सेकंड आपका रहता है सेक्शन क्वांट्स का और थर्ड सेक्शन आपका रहता है रीजनिंग का टोटल जो आपको टाइम मिलेगा वो मिलेंगे सिक्सटी मिनट्स पूरे एग्जाम के बट इसमें एक कैच रहता है वो है कि आपको 20 मिनट्स क्वांट्स के मिलेंगे 20 मिनट्स रीजनिंग के मिलेंगे और 20 मिनट्स इंग्लिश के मिलेंगे सबसे पहले इंग्लिश आएगा 30 क्वेश्चंस रहेंगे इसके 35 क्वेश्चंस रहेंगे क्वांट्स के और 35 क्वेश्चंस रहेंगे रीजनिंग के अब हम बात करने जा रहे हैं पर्टिकुलरली अबाउट क्वांट सेक्शन इसमें सबसे ज्यादा मोस्ट सिक्योरिंग टॉपिक जो है वो है सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफिकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आपको बैंकिंग एग्जाम कोई भी क्वालिफाई करना है किसी शिफ्ट में अप्रोक्सीमेशन आती है तो किसी में सिंप्लीफिकेशन और ये दस से पंद्रह नंबर की आती है आउट ऑफ थर्टी फाइव मार्क्स दस से पंद्रह नंबर सिंप्लीफिकेशन के हैं इसके बाद आती है नंबर सीरीज इसमें भी दो टाइप्स रहती हैं एक मिसिंग नंबर और एक रॉन्ग नंबर सीरीज पांच नंबर की यह भी रहती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बहुत ही इजी टॉपिक है पांच नंबर इसके रहते हैं अगर आपको स्कोर करना है थर्टी प्लस थर्टी प्लस आपको अगर स्कोर करना है तो आपको एक स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं <coughs> सॉरी तो तीन टॉपिक हमने बता दिए नेक्स्ट टॉपिक इज डाटा इंटरप्रिटेशन डी आई पांच से दस मार्क्स की ये भी आती है किसी शिफ्ट में एक डी आएगी किसी में दो डी आएगी अगर सिंप्लीफिकेशन कम आ रही है तो डी आई ज्यादा हो जाएगी अगर सिंप्लीफिकेशन ज्यादा आ रही है तो डी आई कम हो जाएगी कभी कभी नंबर सीरीज आ रही है किसी शिफ्ट में तो क्वाड्रेटिक नहीं आएगी बट ये सारे टॉपिक्स सिक्योरिंग है जिससे आपको श्योरिटी होगी क्वेश्चन हर कोई सॉल्व करेगा वहां पर बट उन्होंने चेक करना है कि आपकी स्पीड कैसी है कौन बच्चा कौन सा बच्चा कितनी जल्दी क्वेश्चन कर रहा है वो डिपेंड करता है इसके अलावा अरिथमेटिक पोर्शन होता है बेटा थमेटिक इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो कि पूरे दस नंबर के आएंगे बट टॉपिक्स इसमें हैं टाइम एंड वर्क सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट प्रॉफिट लॉस परसेंटेज रेशो Average pipe and cistern, उसके अलावा प्रॉब्लम ऑन एजिस अगर आप इसमें से चार से पांच क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेते हो तो काफी है बट हमें सबसे पहले इसको नहीं सबसे पहले हम जैसे आप देख रहे हो क्रिकेट मैच होता है तो ओपनर्स आते हैं ना हमने ओपनिंग करनी है जब भी एग्जाम आएगा सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन से इसको हमने ट्राई करना है कि तीन से चार मिनट में हम ये सारे क्वेश्चन कर लें ठीक है फिर उसके बाद जब ओपनर्स होते हैं उसके बाद आते हैं वन डाउन टू डाउन थ्री डाउन तो हमारा फर्स्ट राउंड जो रहेगा वो रहेगा नंबर सीरीज इसको हार्डली दो मिनट नहीं लगेंगे दो से तीन मिनट आपकी प्रैक्टिस पे है वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया उसके भी पांच नंबर दो से ढाई मिनट में डी आई तीन से चार मिनट में डी आई करनी है अगर दो डी आई है तो।, <laughs> तो टोटल हमने देखा चार मिनट यहाँ लग गए तीन यहां लग गए चार यहां लग गए मतलब अगर हमारा बारह तेरा मिनट में स्कोर आ रहा है ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव स्कोर हम यहां से ही कर रहे हैं इन चार टॉपिक्स में से तेरह से चौदह मिनट में तो जो बाकी टाइम बच रहा है हमारा वो हम क्या करेंगे इन टॉपिक्स पे आएंगे क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के बहुत इजी रहते हैं बेटा पाइप एंड सिस्टम इसी के साथ रिलेटेड है परसेंटेज आपको आता है तो उसके साथ आपको काफी प्रॉफिट लॉस सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट एजिज रेशो ये सब एक ही जैसे हैं रिलेटेबल हैं तो आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी है मैं आपको इस चैनल पे वीडियोज लाता रहूंगा आपको ये देखना है कि कैसे आप कम टाइम में मैक्सिमम टू मैक्सिमम अप्रोच कर सकते हो हमारी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी मैं नेक्स्ट वीडियो सिंप्लीफिकेशन पे ला रहा हूँ कि कैसे टिप्स एंड ट्रिक्स जो हम यूज करेंगे वो हमने इसको तीन से चार मिनट में दस से पंद्रह क्वेश्चन सॉल्व करने हैं नंबर सीरीज के मैं आपको पैटर्न्स की एक वीडियो ला दूंगा उसमें पंद्रह से बीस पैटर्न होंगे और मैं आपको उसमें गारंटी देता हूँ बेटा कि वही पैटर्न आपके बैंक के एग्जाम में पांच में से पांच क्वेश्चन के वो मिलेंगे क्वाड्रेटिक की भी वीडियो आ जाएगी डीआई की भी वीडियो आ जाएगी ये जो पच्चीस मार्क्स है ना ये आप मेरे पे छोड़ दो ये मैं आपको करवा के रहूंगा कम से कम और कम से कम टाइम में और आपकी स्पीड मैक्सिमम बनाने के ट्रिक्स में तो मुझे आई होप कि आपको ये इंफॉर्मेशन काम आएगी और एक स्ट्रेटेजी हम बनाएंगे रोड मैप तैयार करेंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच